नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं MMB के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्लच कवर डैश से बोल्ट के द्वारा कसा होता है। फ्लाई व्हील, कार व्हील, इंजन ब्लॉक, क्लच डिस्क। तो उसका सही आंसर है फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या इंजन तथा शेष ट्रांसमिशन सिस्टम के मध्य एंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट का निर्बाध साधन प्रदान करता है? क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल। तो उसका सही आंसर है क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच द्वारा पारेषित किया जा सकने वाला टॉर्क डैश पर निर्भर करता है। घर्षण गुणांक, स्प्रिंग फोर्स, संपर्क सतह, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन निम्न क्लास का हो सकता है? क्लच, गियर बॉक्स तथा लाइव एक्सल ट्रांसमिशन, क्लच गियर तथा डेड एक्सल ट्रांसमिशन, क्लच गियर बॉक्स तथा एक्सल रहित ट्रांसमिशन। तो उसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार के गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स, उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर व्हील ड्राइव में व्हीकल में डिफरेंशियल डैश पर होता है? फ्रंट व्हील, रियल व्हील, फ्रंट तथा रियल दोनों व्हील, फ्रंट या रियल किसी भी व्हील पर। तो उसका सही आंसर है फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल यूनिट में डैश होते हैं? तो उसका सही आंसर है दो वेबल पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हायर पेयर है? तो उसका सही आंसर है बैलेट एवं पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल गियर ट्रेन के लिए वेग अनुपात निम्न में से किसका अनुपात होता है? ड्राइविंग शाफ्ट की गति और ड्रिवन की गति का, ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति का, ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति प्लस आइडलर गियर की गति का, ड्राइविंग शाफ्ट की गति तथा ड्रिवन शाफ्ट की गति प्लस आइडलर गियर की गति का। तो उसका सही आंसर है ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल गियर ट्रेन में आइडल गियर की संख्या विषम है तो ड्रिवन गियर की गति क्या होगी? ड्रिवन गियर ड्राइविंग गियर के समान होगी, ड्राइविंग गियर के विपरीत होगी, ड्राइविंग गियर पर मौजूद दांतों की संख्या पर निर्भर करेगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ड्राइविंग गियर के समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर तथा समतलीय शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर है स्पर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के गियर में गियर ट्रेन में पहला गियर और अंतिम गियर को एक्सेल होते हैं? तो उसका सही आंसर है रिवेटेड गियर ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर केस गियर बॉक्स के तुरंत बाद डैश में स्थित होता है? तो उसका सही आंसर है फोर व्हील ड्राइव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या रिकुपरेशन टाइप हीट एक्सचेंजर का उदाहरण नहीं है? ऑटोमोबाइल रेडिएटर, कंडेंसर, केमिकल फैक्ट्री, हवाई जहाज का वाइल हीटर। तो इसका सही आंसर है केमिकल फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क क्लच में क्लच डिस्क डैश के रूप में कार्य करती है? ड्राइविंग मेंबर, ड्रिवन मेंबर, न्यूट्रल मेंबर या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ड्रिवन मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कंपोनेंट्स में से किस एक को छोड़कर शेष सभी वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं? पुश रॉड, रॉकर आर्म, वाल्व सीट, फोर्क। तो इसका सही आंसर है फोर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंजन शाफ्ट को गियरबॉक्स से कनेक्ट करने के लिए इनमें से किस मशीन मेंबर का प्रयोग किया जाता है? डिफरेंशियल, क्लच, फ्लाई व्हील, प्रोपेलर शाफ्ट। तो उसका सही आंसर है क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के क्लच पैडल की जरूरत नहीं पड़ती? सिंगल प्लेट, मल्टीप्लेट, सेंट्रीफ्यूगल, कौन? तो उसका सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्ब तक तब तक खुलता है जब कैम पर लोव डैश उठाता है। वेरिंग, पिस्टन, बाल्ब लिफ्टर, बाल्ब सीट। तो उसका सही आंसर है बाल्ब लिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन इंटेक वाल्व का आकार एग्जॉस्ट वाल्व के समान होता है, एग्जॉस्ट वाल्व से छोटा होता है, एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है, एग्जॉस्ट वाल्व के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है। ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व क्लीयरेंस का उद्देश्य होता है वाल्व को फेंकने देना, वाल्व की गाइड में स्लाइडिंग होने देना, सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद होता है, सुनिश्चित करना कि क्रैंकशाफ्ट घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो इसका सही आंसर है सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की मेन गैलरी में एक रिलीफ वाल्व फिट किया जाता है, इस वाल्व का क्या उद्देश्य होता है? उच्चतम वायल प्रेशर को सीमित करना, वायल गर्म होने पर खुलना, यदि गैलरी अवरुद्ध हो जाए तो तब सप्लाई रखना, वेरिंग में वायल का प्रभाव होने से रोकना। तो उसका सही आंसर है उच्चतम वायल प्रेशर को सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाहन में सामान्य रूप से चार व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव होती है? एम्बेसडर कार, स्टैंडर्ड वैगन, मेटाडोर, जीप। तो उसका सही आंसर है जीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ स्प्रिंग डैश के द्वारा झटकों को अवशोषित करता है, वेल्डिंग, ट्विस्टिंग, कंप्रेशन, टेंशन। तो उसका आंसर है वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है विस्वोन आर्म सिस्टम, ट्रेलिंग लिंक सिस्टम, स्लाइडिंग पिलर सिस्टम। तो इसका सही आंसर है ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर की कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NCVT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रशिक्षण स्थानों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मशीनिस्ट व्यवसाय के लिए प्रवेश योग्यता है? तो इसका सही आंसर है 10वीं कक्षा विज्ञान एवं गणित विषय सहित उत्तीर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास होने चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल कितने व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षणार्थी की संस्थान में कितनी उपस्थिति अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षणार्थी की कम उपस्थिति होने पर उसे किसी अनुमति के द्वारा अंतिम परीक्षा में बैठाया जा सकता है? अनुदेशक, समूह अनुदेशक, प्राचार्य, निदेशक। तो इसका सही आंसर है निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र द्वारा संस्थान में से लगातार कितने दिन बिना किसी समूह के अनुपस्थित रहने पर उसका नाम संस्थान से पृथक कर दिया जाता है? 5 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 20 दिन। तो इसका सही आंसर होगा 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रशिक्षण स्थानों में राज्य स्तर पर कौन सी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है? RCBT, NCBT, SCBT, RPET। तो उसका सही आंसर है SCBT।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन का काल में का अभ्यास करना चाहिए सुरक्षात्मक उपायों, मशीनों का कार्य करने, हस्त औजार, ये सभी। तो उसका सही आंसर है सुरक्षात्मक उपायों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चेतावनी निर्देश नहीं है? आंखों की सुरक्षा करें, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करें, रेस्पिरेटर का उपयोग करें, विस्फोट होने का खतरा। तो उसका सही आंसर है प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलती मशीन के गियर बदलने चाहिए, जॉब पर किसी भी प्रकार का कटिंग टूल प्रयोग कर लेना चाहिए, हैक्सा ब्लेडों में ब्लेड ढीला होना चाहिए, मशीन की टेबल पर हैमरिंग नहीं करनी चाहिए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मशीन की टेबल पर हैमरिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा जॉब पर नट को चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्पैनर के द्वारा और पाइप रेंच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल पोस्ट ग्राइंडिंग बहील के केंद्र से अधिक नीचा नहीं होना चाहिए, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 12 mm। तो उसका सही आंसर है 2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? श्वसन प्रक्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक रक्त स्राव होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा किसी का अंग कट जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के शरीर में आमतौर पर डैश रक्त होता है? तो उसका सही आंसर है 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम डैश को साफ करना चाहिए, मांसपेशियों को, जीभ को, मुंह को, श्वसन नली को? तो उसका सही आंसर है श्वसन नली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर की चोट छोड़कर यदि अन्य कारणों से रक्त बहता है तो रक्त रोकने के लिए निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? नाक पर उंगलियों से दबाव डालना चाहिए, रोगी को बैठा देना चाहिए, रोगी को शांत और स्थिर अवस्था में रखना चाहिए, उपरोक्त सभी? तो उसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है? कुशल मानव श्रम, कुशल अभियंता? तो उसका सही आंसर है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वभाव में बसा विशिष्ट स्वभाव क्या है? जिज्ञासा, कर्मठता, ज्ञात नहीं, इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर है जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है? परिस्कृति, दुर्घटना, पता नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर है दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आग के आधार पर सर्वप्रथम पानी को स्प्रे करना चाहिए, तत्पश्चात धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी? तो उसका सही आंसर है श्रेणी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की आग में मेटल को शामिल करना चाहिए, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी? तो उसका सही आंसर है श्रेणी डी। श्रेणी ए में लकड़ी, कागज, कपड़े, बहुत ठोस धातुएं आती है। इस आग को बुझाने में फुहारे का प्रयोग किया जाता है, पानी या फुहारे का प्रयोग किया जाता है, या इसमें फुहारा बनाकर उसमें पानी डालना चाहिए। श्रेणी बी में मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से लगने वाली अग्नि होती है। इस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र प्रयुक्त होते हैं। इस
इस प्रकार की आग जल के बौछारों से नहीं बुझती। श्रेणी सी यह गैस और तरल गैस की आग होती है। इसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर या एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी डी यह धातु या बिजली की आग होती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई पाउडर या CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इस आग पर कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस आग को केवल ट्रेंड व्यक्ति को ही बुझाना चाहिए।